जो देवास के उस्ताद हैं वो शरीफ भाई उस्ताद का सापा बांधकर इस्तकबाल कर रहे हैं, और हमारे जो मऊ से तशरीफ लाए हैं आरिफ उस्ताद उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। उस्ताद की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है शरीफ सिप्पू भाई की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है भैयू भाई का आरिफ भाई का है, और यहाँ पर हमारे गोलू भाई उज्जैन से तशरीफ लाए हैं, हारून महमा बैठे हुए हैं, हमारे मोइन भाई बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, मुर्तुजा भाई हैं, सलीम भाई हैं, भैया भाई हैं, हमारे साजी जीजा हैं, उस्ताद हैं हमारे साथ। इसके बाद चुकी थी 2020 में, आज 2024 के अंदर इंशाल्लाह बड़े बड़े नामचीन बकरे बिके हैं, और इन उस्तादों की सरपरस्ती के अंदर मध्य प्रदेश का जिन्होंने डंका बजाया है इन लोगों ने। अरे बांध लेंगे उनका इस्तकबाल कर रहे हैं रियान भाई। काफी अच्छे सांपे बांध रहे हैं ये हमारे उस्ताद हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है। हाँ मोइन भाई आप भी कुछ बोलिए। सलाम भाई, और जो ये बकरे बारी का प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, ऐसा अल्लाह ताला कामयाब रखे इस प्रोग्राम को, और ऐसी भारी भारी बकरे, हाँ बकरेबाजी तो रहेगी इंशाल्लाह, कामयाबी रहेगी और आगे चलती रहेगी, और ऐसी ऐसी भारी भारी बकरे हमें देखने को मिलते रहे हमारे इंदौर देवास महू उज्जैन सबसे। अच्छे बकरे पाले हैं कुर्बानी के, इस साल आपके कहना बकरा है कि नहीं कुर्बानी का? अभी तो फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। तो भाई ये 2024 के लिए 25 के मतलब, हाँ दो अभी आप खरीद के कुर्बानी करोगे जी, काफी बकरे पाल के कुर्बानी करोगे जी 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 जी, तो मेरी राय ये रहेगी कि 25 के लिए इंशाल्लाह आप बकरा लेके कुर्बानी करें पाल के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हम जो कंपटीशन करा रहे हैं उस कंपटीशन के अंदर आपका बकरा डले इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुर्बानी का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ हमारा साथ लगभग लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं हमारे अपने अपने सब साथियों को, मुर्तुजा भाई, भाई फूल वाले, उस्ताद रजू भाई, सलीम भाई, हमारे सादी जीजा वहीद भाई, और जो सिप्पू भाई, सिप्पू भाई के वालिद साहब हमारे से तो बहुत पुराने हैं, और जो भी बकरे और भाई शेरू भाई, गोलू भाई, माशाल्लाह बस ऐसे अल्लाह कामयाब कर रहे सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज जो प्रोग्राम है अपने सिप्पू भाई है कबूतर खाने वाले, और ये मोहम्मद साहब साइकिल वाले, इनकी तरफ से है, वो खास तौर पर मामा के लिए रखा गया है प्रोग्राम, क्योंकि मामा की गाड़ी कल की थी तो इनकी गाड़ी भी कैंसिल करवाई है सिप्पू भाई की उससे हुई है, और आज इनका जाने का है, तो उन्होंने मामा की खुशी में रखा है कि मामा आए हैं यहाँ पे, तो मामा का इस्तकबाल रखा है, तो मामा की वजह से सबका इस्तकबाल हो रहा है यहाँ पे, मामा अपने खास मेहमान है। लो लो कप्तान साहब, जरा मामा के लिए दो शेर हो जाए अच्छे बढ़िया। आवाज तो वो आवाज तो वो आएगी, जुनून तो आएगा। शरीफ भाई, हरीफ भाई, साहिब मसलक हैं यही ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और बुजुर्गों को बिठाए ऊंट पर
और खुद चले रहबर, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं, और कमी कमी आने ना पाए हौसलों में अक्सर हमारी, हम अपनी कश्तियों के पास में तूफान रखते हैं। चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने, कुछ हुनर बता बाजार में रहने के लिए, और मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, शादी से होने लगी मुझको मिटाने के लिए। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है मामा, एक शेर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सारे इंदौर के बकरा ग्रुप के बड़े बड़े उस्ताद बकराबाज और एमपी के लगभग सारे बकरेबाज यहाँ मौजूद है, तो मैं इन सब का पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो इज्जत से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि शरीफ उस्ताद के लड़के रेहान ने जो मेहनत करके बकरा बनाया माशाल्लाह 176 किलो 500 ग्राम का, तो मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा कि इस बच्चे की मेहनत को सलाम है, और इस बच्चे ने खूब दिल से मेहनत करी, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इसका हुनर कायम रखे, और ऐसे बकरे और हमारे जितने भी बच्चे नए बकरेबाज है या कोई भी जो इस कंपटीशन में आने वाले कंपटीशन में उतारे, अल्लाह ताला मैं कहता हूँ इसका भी रिकॉर्ड टूटे। वैसे मुझे इस मन से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक शौक को बढ़ाने के लिए मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, और हमारे कप्तान साहब के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। अर्ज किया है कि तू कातिल तेरा तिल तिल कातिल, तू कातिल तेरा तिल तिल कातिल, किस किस को इल्जाम दूं या सब कातिल ही कातिल। तो हमारे कप्तान साहब हमेशा हमारी हौसला अफजाई के लिए जो शेरो शायरी करते हैं उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं अब एक मतलब इस प्रोग्राम की समाप्ति का एक शेर कैप्टन साहब से चाहूंगा कि वो हमें उस शेर से नवाजे। तो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, क्या बात, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, और तू